हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में अपार सफलता हासिल करना चाहता है और ऐसा सोचना गलत भी नहीं है। ये एक प्राकृतिक बात है कि हम में से हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी योग्यता में इजाफा करे, अपनी इनकम में इजाफा करे और निरंतर आगे की ओर अग्रसर रहे। लेकिन जैसी आगे बढ़ने की चाहत में हम हमारे कंफर्ट जोन को छोड़कर हम डेंजर जोन में आते हैं, कई बार हमें हार का सामना करना पड़ता है, हम फेल हो जाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हमें फेल का सामना ना करना पड़े। एंट्रोफी एक वर्ड है। एंट्रोफी का मतलब आप जानते हैं? एंट्रोफी का मतलब होता है नेचुरल डिग्रेड। फ्रेंड्स, प्रकृति ने इस तरह से संरचना की है कि जिस चीज को हम अपग्रेड नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। जैसे ताजमहल, अगर ताजमहल की देखरेख ना की जाए, उसकी साफ सफाई ना की जाए, उसकी मेंटेनेंस ना की जाए, तो वो धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारी इमारतों के साथ आपने देखा है जिसकी कोई देखरेख नहीं होती, कोई मेंटेनेंस नहीं होती, वो डिग्रेड हो जाती है और एक दिन जर्जर बंजर हो जाती है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर मैं कम्फर्ट जोन से बाहर आऊंगा तो सफलता के चांसेस भी होंगे लेकिन वहाँ खतरा भी बहुत अधिक होगा। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना सबसे पहले हमें जोन्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले होता है कंफर्ट जोन, जहाँ पर हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, किसी भी तरीके की चीज़ों को अपग्रेड नहीं करना होता, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहता है। और दूसरा जो जोन है इसको हम बोलते हैं डेंजर जोन। लेकिन इन दोनों जोन के बीच में एक जोन और होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्डी लॉक्स जोन या ग्रोथ जोन, मतलब ऐसा जोन जहाँ पर आगे बढ़ने की बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं। आइए इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। मान लीजिए आपका क्रिकेट खेलने का मन है और आप अपने गली के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे में आप कंफर्ट जोन में रहते हैं क्योंकि आप हमेशा उनसे ज्यादा योग्यता रखते हैं और आप आसानी से उनसे हर बार जीत जाएंगे। पर कुछ ही समय में आपको बोर होना महसूस होने लगेगा क्योंकि वो जीत आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन आप थोड़ा सा जोन से बाहर आते हैं और आप क्रिकेट टीम को कॉन्टैक्ट करते हैं और धोनी के साथ क्रिकेट खेलते हैं। जब आप धोनी के साथ क्रिकेट खेलेंगे तो आपको पता है कि इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर के साथ मैं खेल रहा हूं और आप हर बार हार जाएंगे क्योंकि आपको महसूस होगा मैं डेंजर जोन में आ चुका हूं। लेकिन अगर आप अपने सिमिलर एज ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, जो आप ही के जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस रखते हैं, उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे तो कई बार आप जीतेंगे, कई बार आप हारेंगे, कई बार आप बराबर रहेंगे, कभी चौका लगेगा, कभी छक्का लगेगा, कभी एक रन लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने समान लोगों के साथ काम करेंगे तो आपके आगे बढ़ने की संभावना तो होगी, लेकिन आप कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आकर यदि प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप आसानी से उनसे जीत जाएंगे। अब इस प्रैक्टिस में आपको करना क्या है, आपको अपनी योग्यता में केवल 10% का इजाफा करना है। मतलब जितनी प्रैक्टिस आप करते हैं उससे 10% प्रैक्टिस अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करनी है। जैसे ही आप 10% एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप गोल्डी लॉक्स जोन में आ जाएंगे और आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। ये हर बात पर लागू होती है। व्यापार पर भी ये बात लागू होती है, आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी ये बात लागू होती है। जब तक आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई वर्कआउट नहीं करते, कोई जिम नहीं करते, तब तक आप कंफर्ट जोन में होते हैं। और कंफर्ट जोन में, मैंने आपसे कहा था, आपकी बॉडी धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, उसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, उसको वो ओवरवेट होना शुरू हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी घटना शुरू हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस घटना शुरू हो जाती है। लेकिन आप निर्णय करते हैं कि मुझे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है और नेक्स्ट डे से आप सोचते हैं कि अब मैं जिम जाऊंगा और जिम जाने के बाद आप एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए एक्स्ट्रा वर्कलोड करते हैं। और जैसे आप एक्स्ट्रा वर्कआउट, एक्स्ट्रा वर्कलोड करते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप डेंजर जोन में आ जाते हैं, आपके साथ कोई बड़ी इंजरी होती है और आप बिस्तर पर आ जाते हैं। तो तरीका क्या है, कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद आपको गोल्डी लॉक्स जोन में आकर वर्कआउट करना शुरू करना है कंसिस्टेंसी के साथ। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हर एक काम को जब आप कंसिस्टेंसी से करते हैं तो आपके अंदर वो काबिलियत पैदा हो जाती है जिससे आप सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उतना वेट आपके लिए बहुत नॉर्मल होगा। तो इम्प्रूव योर इंटेंसिटी। आप 10% इंटेंसिटी जब हर बार बढ़ाएंगे तो आपकी काबिलियत में इजाफा होगा, आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और देखेंगे कि शुरुआती दिनों में जितना वेट आप उठाते थे उससे ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग आप करना शुरू कर देंगे। गोल्डी लॉक जोन में ही आप अपने आप को ठीक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे और अपनी लाइफ में हर वो चीज़ हासिल कर पाएंगे जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। यही बात रीडिंग पर लागू होती है, यही बात लर्निंग पर लागू होती है, यही बात बिजनेस पर लागू होती है, यही बात प्रोफेशन पर लागू होती है।
प्रोफेशन में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम बड़े बड़े रिस्क लेना शुरू करते हैं। हमें लगता है कि एक बार में ही इंडस्ट्री के किंग बन जाएंगे, लेकिन आपको आना है गोल्डीलॉक्स जोन में। आपको अपनी काबिलियत को 10% आगे बढ़ाना है, मतलब जो भी एफर्ट आप कर रहे हैं उसमें 10% का इजाफा करना है। और जैसे ही आप 10% का इजाफा करते हैं, हो सकता है मार्केटिंग, हो सकता है सेल्स को लेकर, ब्रांडिंग को लेकर, प्रमोशन को लेकर, बिजनेस की ग्रोथ को लेकर, अपने बिजनेस के काम करने के तरीके को लेकर, उसके लिए ज़रूरत है अपने आप को रेगुलर अपग्रेड करने की। और अपग्रेड करने का तरीका क्या है? ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे इन योर लाइफ। अब वो कहाँ से मिलेगा? बिजनेस बेस्ड बुक्स, नॉलेज बेस्ड बुक्स, बिजनेस वर्कशॉप, बिजनेस सेमिनार्स, बिजनेस मीटिंग्स। जब आप ऐसी जगह जाएंगे तो आपकी एबिलिटी में इजाफा होगा। लेकिन जब कहते हैं ना बुक रीडिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, जब आप बुक रीडिंग शुरू करेंगे ना और आप सोचेंगे कि 20 पेज पढ़ लूँ, 25 पेज पढ़ लूँ, तो एकदम से संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब आप बुक रीडिंग शुरू करें तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट के आधार पर बुक का सिलेक्शन करें, 3 से 5 पर डे पेजेस पढ़ने का प्रयास करें। और जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो धीरे 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 नॉलेज बेस्ड बुक्स, लर्निंग बेस्ड बुक्स, बिजनेस बेस्ड बुक्स का स्टडी करना शुरू करें। और रोज़ाना 3 से 5 पेज जब आप पढ़ते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा आप आसानी से 10 से 15 पेज, 15 से 20 पेज पर डे पढ़ पाएंगे। कहने का मतलब, जब आप अपनी काबिलियत में 10% रोज़ाना का इजाफा करेंगे तो कुछ ही समय में आप एक बेहतर व्यक्ति बनकर गोल्डीलॉक्स जोन के हिसाब से आप बहुत अधिक सफलता हासिल करेंगे और आपके फेल होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, निरंतर प्रयास करें, रोज़ाना नई नई चीज़ों का अध्ययन करें, नई नई चीज़ों को सीखें, समझें और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में वो बात ज़रूर लिखें ताकि बाकी लोग भी आपके बताए गए प्रश्न को समझकर उसका जवाब ढूंढने का प्रयास करें। हमारी टीम आपके सभी सवालों का जवाब कमेंट के माध्यम से देगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी के सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।